करना है और अब आपकी परीक्षा अब शुरू हुई है। तो ये इस परीक्षा में तो आपने पास कर लिया और अगली परीक्षा में आप कहीं कुछ शायरी भी नहीं लिख सकते हैं। तो आपको कितने लोग जानते हैं, उन्हें हम क्या बोलकर संबोधित करते हैं? हाँ, नहीं सुनाई दिया, मिसाइल मैन बोलते हैं ना। कभी किसी ने उनकी जीवनी पढ़ा है क्या, क्या क्या पढ़े हैं उनके बारे में? सब कुछ। बनना क्या चाहते हैं? एयरफोर्स पायलट नहीं, उन्होंने वो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, ज्वाइन करें। और जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की फिर एचएएल में वो ट्रेनिंग ले रहे थे, उसके बाद वो देहरादून आए एग्जाम देने के लिए। 22 लोगों ने एग्जाम दिया और 8 ही सीट्स थे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी 9वें नंबर पर आए। एक स्टेप ऊपर जाने से वो रह गए और उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा तकलीफ और इससे ज़्यादा दुख की घड़ी उनके ऊपर नहीं आ सकती थी, क्योंकि बड़े तकलीफ़ों से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। उनकी बहन ने अपने जेवर बेच कर उनका एडमिशन कराया था। जब वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गए इंजीनियरिंग करने के लिए तो उनकी बहन ने एडमिशन कराया था। उन्हें लगा कि अब शायद मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं अपने साथ साथ अपने घर वालों के सपनों को पूरा करता हूँ और जो पैसे उन लोगों ने मेरे ऊपर खर्च किया है उन पैसों को मैं उनको देती हूँ। लेकिन देखिए, कोई नहीं जानता था उस समय, तो सबसे ज़्यादा डिमोरलाइज उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक समय आएगा जब हम इन्हें इस देश का मसाई मैन कहकर उन्हें बुलाएंगे। और वो एक ऐसा बच्चा, मीडिया के बंधु, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, यहाँ पर जितने अधिकारीगण बैठे हैं, पुलिस के जितने लोग सपोर्ट में यहाँ पर पूरा सिस्टम को मैनेज करने के लिए काम यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में, इस दीक्षांत समारोह में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पहले मैं इस दीक्षांत समारोह के बारे में बोलूँ या पहले मैं मांगों के बारे में बात करूँ। तो मुझे लगता है कि अगर पहले मांगों के बारे में बात कर लूँगी तो उसके बाद दीक्षांत समारोह की बात कर लूँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए। जैसा कि आदरणीय अमर रिजवी जी ने कहा कि लोगों को यहाँ जब उन्होंने, उनको पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन मैं ज़रूर नाम लूँगी, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जब उन्होंने किया तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब वो चुनाव लड़े। लेकिन आज आपने इस मन से उन लोगों को आश्वस्त भी कर दिया है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक आपने देखा होगा कि लोगों में विरोध है, वो विरोध भी अब खत्म हो गया होगा। और साथ ही साथ, क्योंकि मैं ऐसी पार्टी से आती हूँ और अब आप भी उसी पार्टी का हिस्सा हैं, उसी सरकार का हिस्सा हैं, जहाँ ना तो हम किसी जाति का भेदभाव करते हैं और ना ही तो किसी धर्म का भेदभाव करते हैं, आपने जिस सम्मान के साथ आपको पार्टी में ज्वाइन कराया गया, मुझे लगता है कि अगर ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए और माननीय योगी जी के लिए किसी। और मुझे साथ ही साथ ये भी अच्छा लगा कि जब आपने अपने भाषण में आदरणीय योगी जी का नाम लिया तो इस देश की जो युवा वर्ग यहाँ पर बैठी है उन्होंने बड़े ज़ोरदार, इन लोगों ने जो तालियां बजाई और जो हूटिंग किए, मुझे अच्छा लगा कि देश का विकास करने वाले माननीय मोदी जी की भी फैन फॉलोइंग है युवा वर्ग के लिए, और प्रदेश का विकास करने वाले माननीय योगी जी का भी, माननीय योगी जी के लिए भी फैन फॉलोइंग है।